पुलिस कर्मियों के लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो जाने के बाद धौलपुर में बजरी माफिया बेलगाम हो चुके हैं। जी हां, इसी के चलते विद्युत निगम की एक कार को बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। जिला कलेक्टर के ऑफिस से ठीक सामने बोलेरो को टक्कर मारने के बाद माफिया ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गए और इस हादसे में बोलेरो चालक मोहित शर्मा और प्राइवेट विद्युत कर्मी घायल हो गए हैं। वहीं इस हादसे की सूचना पाकर पहुंची निहालगंज पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज से आ रहा था और मोर मुकुट कलेक्ट्रेट के जस्ट गेट के सामने दो ट्रैक्टर आए रहते थे, उन रॉन्ग साइड आ रहे थे। मैंने गाड़ी खड़ी कर ली, खड़ी गाड़ी में मेरी में टक्कर मार के गई। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।